हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक सोनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपक सोनी व्लॉग। तो आज हम लोग रांची से उक्की मठ होते हुए चोपता जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। रास्ते में आपको दिखाते हैं कैसा अद्भुत नज़ारा है रास्ते का, तो मिलते हैं गोप्रो पे। रांची से 1 किलोमीटर आगे पड़ता है अग्रतोली, जहाँ से पैदल मार्ग स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप अपना बैग और नाइट स्टे भी कर सकते हैं, दोनों की व्यवस्था है। तो हम लोग रांची से निकल चुके हैं चोपता के लिए। अब हमारी अगली डेस्टिनेशन है चोपता, जहाँ पे हम गाड़ी पार्क करके तुंगनाथ ट्रैक को पूरा करेंगे। तो चलिए एक चलते हैं फिर साथ में।
हेलो गाइस, फाइनली हम लोग रांची से चलकर उखीमठ होते हुए चोपता वैली पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अभी हम लोग लंच करके तुंगनाथ ट्रैक को शुरू करेंगे, तो चलिए साथ में देखते हैं कैसा है आगे का ट्रैक और साथ में चलते हैं फिर। हेलो गाइस, टाइम हो रहा है 3:40, तो हम लोग यहाँ से तुंगनाथ बाबा की ट्रैक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। हम अपना तुंगनाथ ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं बाबा महादेव के नाम के साथ, हर हर महादेव। कुछ कहना चाहेंगे? कहियो भैया, आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपका एक्सपीरियंस कैसा है बताइए। हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। लोग कहते हैं तुंगनाथ की बहुत कड़ी चढ़ाई है, पर उतनी भी कड़ी नहीं है। जितना की आप से आ सकते हैं, जितना की ना की मध्यमेश्वर की, केदारनाथ और केदारनाथ की। तो टाइम हो रहा 7:00 और सूरज निकला हुआ है। और चढ़ाई इतनी भी पड़ी नहीं है, हाइट ज्यादा हो, नॉर्मल चढ़ाई है। लोग पहले से डरा देते हैं कि हाँ हाइट ज्यादा, पर आराम से आ सकता है। बढ़िया है, लेकिन ये नजारा देखते हुए मजे मजे चढ़ सकते ऊपर, एकदम एक नंबर है। शाम के साथ हो रहे लेकिन सूरज निकल रहा है, कुदरत का कमाल है। और केदारनाथ में तो गौरी कुंड है, उसमें इतना गर्म पानी है, एक नंबर है वो तो। गए केदारनाथ की फोटो, क्या गर्म पानी था। आपको चार धाम जितने करोगे सब जगह गर्म कुंड मिलेगा। गर्म कुंड बद्रीनाथ में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में, सब जगह गर्म, सब जगह। बस कुछ जगह है पहले है, कुछ जगह है बाद में है, लास्ट में है। अब जैसे यमुनोत्री में मेन यमुना जी के मंदिर के जस्ट बगल में ही है। अच्छा, हाँ, वहाँ सबसे मजा, सबसे अच्छा मजा वहीं पे आता है गर्म कुंड का। चार मतलब घूम के आए हम, इससे पहले जा चुके हैं, अभी से मैं पंचकेदार के टूर पे हैं। अच्छा अच्छा, ये तीसरा केदार है अपना। अच्छा बढ़िया है भाई, अगर महादेव की कृपा है तो हम भी अगले साल पंचकेदार कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल, आज दो केदार हो ही गए, 3 केदार बाकी है, चाहे जब कर लेना। यहाँ से जा करके तुम कल्पेश्वर भी कर सकते हो, बहुत आराम। बस महादेव बुला ले, चले जाते हम भी। बिल्कुल बिल्कुल, बस है हम हैदराबाद से यहाँ तक गाड़ी बोलते हो हमारा खत्म। अभी आप देख रहे हैं तुंगनाथ से पहले का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा व्यू है। ट्रैक कुछ ज्यादा स्ट्रेट भी नहीं है, आराम से आ सकते हैं। और सामने देख रहे जो व्हाइट व्हाइट दिख रही मंदिर शेड, वही मंदिर है, बस 1 घंटे की दूरी पे मंदिर है। फाइनली कुछ ही दूर बचा है बाबा तुंगनाथ का मंदिर, वर्ल्ड का हाईएस्ट शिव टेंपल। कुछ ही घंटे अब यहाँ से दो रास्ते हैं, एक बाबा तुंगनाथ के मंदिर का और ये चंद्रशिला का। तो अभी हम चलते हैं बाबा तुंगनाथ के मंदिर की तरफ।
फाइनली हम लोग तुंगनाथ मंदिर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। ठंड बढ़ती जा रही है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर आप देख रहे हैं। तो फाइनली हम लोग चढ़ाई करके बाबा तुंगनाथ के दर्शन कर रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर आप देख रहे हैं। और यही अब हम लोग नीचे नाइट स्टे करेंगे, फिर वहाँ सुबह बाबा का दर्शन करके वापसी चोपता के लिए निकलेंगे। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा तुंगनाथ के मंदिर। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और कमेंट में हर हर महादेव के जयकारे जरूर लगाइए।